फ्रेंड्स, हम क्लास थर्ड का पार्ट एक आज पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम है उठो सोने वालो सवेरा हुआ है। तो हम यहाँ से रीड करेंगे। उठो सोने वालो सवेरा हुआ है, उठो अब निराशा निरसा खो रही है, सुनहली सी पूरब दिशा हो रही है, ऊषा की किरण जगमगी हो रही है, बेगों की ध्वनि नींद तम धो रही है, तुम्हें किस लिए मोह घेरा हुआ है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, उठो बूढ़ों बच्चों वतन दान मांगो, जवानों नई जिंदगी जान मांगो, शहीदों से भारत का विमान मांगो, घरों में दिलों में उजाला हुआ है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है। तो हमने ये पाठ रीड कर लिया है। अब इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं निशा निशामिश रात, ऊषा दिन निकलने से पहले का समय, बेहोगो पक्षियों ध्वनि आवाज, तम अंधेरा, मोह अज्ञानी अज्ञान ना समझी, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, उत्थान उन्नति, शहीद देश के लिए प्राण दे देने वाला, उजाला प्रकाश, वतन देश। पक्षियों की ध्वनि क्या कर रही है? पक्षियों की ध्वनि यानी बेहो बेहो मीन्स क्या था? पक्षियों की नींद तम धो रही है ना। तो कवि ने किस किस को उठने को कहा है, इसका आंसर आपको खुद देखना, क्योंकि ये मौखिक प्रश्न है इसलिए। अब अगला दूसरा वाला प्रश्न दिया है, इन शब्दों को ऊंचे स्वर में पढ़ो, निशा निराशा ऊषा सुनहली, ध्वनि उत्थान शहीद अभिमान। अभी आ गया लिखित। तो पहल इसमें दिया है पहला, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, ठीक है। तो ये पहला का नंबर दिया है, कौन सी दिशा सुनहली सी हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पार्ट रीड किया था, उसमें आया है ना, तो इसमें पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा, तो कौन सी पे आएगा राइट, पूर्व दिशा पे राइट आएगा। दूसरा है, जवानों को किसकी उन्नति मांगनी चाहिए, अपने घर की उन्नति या अपने देश की उन्नति, तो अपने देश की उन्नति। तीसरा है, कवि ने शहीदों से क्या मांगने को कहा है, देश का अभिमान या अपने लिए धन, तो इसमें आएगा देश का अभिमान। अगला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दो, किसकी किरण जगमगी हो रही है, तो हम उसमें उत्तर में लिखेंगे ऊषा की किरण जगमगी हो रही है। और दूसरा क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ उजाला हुआ है, तो कहाँ कहाँ उजाला हुआ था, घरों में दिलों में उजाला हुआ है। तीसरा है, इस कविता को किसने लिखा है, तो उत्तर, इस कविता को वंशीधर शुक्ल ने लिखा है। अब ये समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ, तो इनके जोड़े बनाना है, जैसे सवेरा अंधेरा निशा, इनमें से ये जोड़े बना के इसमें फिल करना है। अब ये दूसरा वाला भी ऐसा ही है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ,
तो इसमें अपने को जो सवेरा, निराशा, निशा, पूरा, पच्चा, इनको इनमें जोड़े। जैसे सवेरा का शाम हो गया, ठीक है, तो बच्चा का भी। तो ये उल्टे अर्थ वालों के शब्दों के जोड़े बना, मतलब तो इनमें से हमने ये फिल कर देख भरती मतलब बना लिए हैं। सवेरा का शाम, बच्चा का बूढ़ा, पूरब का पश्चिम, आशा का निराशा, देश का विदेश, पतन का उत्थान, ये हमने लिख दिए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस कविता की जो 6 लाइनें आपको अच्छी लगी हैं उन्हें यहाँ लिखें। तो एक कविता अपने जो पढ़ी थी अभी, रीड की थी, उसकी 6 लाइनें यहाँ लिखनी है। और ये सवेरे उठने के कुछ लाभ लिखो। तो ये आप लोगों का होमवर्क है।